देखिए, एकजुट जम्मू के बाद बहुत की तरफ से बहुत देर के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, और आज मजबूर हो गए हम पूरे जम्मू के मीडिया को बुलाने के लिए और कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए। 370-35A की एब्रोगेशन के बाद इन जनरल जो परिस्थिति बनी, और पिछले एक महीने में इन स्पेसिफिक जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, जिस तरीके से गैर मुसलमानों का, हिंदूज का, सिखों का जेनोसाइड, नरसंहार कश्मीर में और जम्मू संभाग में अनअबेटेड चल रहा है, और जिस तरीके से इंडियन स्टेट, भारत सरकार, भारत की राजसत्ता उसे नकार रही है, जिसके कारण इसकी निरंतरता बनी रह रही है, जिस तरीके से जम्मू को डिसएम्पावर करने की दिशा में इफेक्टिव कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सत्ता पुनः कश्मीर को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की चुप्पी इस हिंदू जेनोसाइड पे आपको देखने को मिली, जिस तरीके से भाजपा का जम्मू में एनसीकरण हो गया, दो एनसीज हैं जम्मू कश्मीर में, एक एनसी कश्मीर की एनसी और बीजेपी नई एनसी जम्मू की एनसी, तो मजबूरन अब हमने ये बिगुल फूंका है कि एकजुट जम्मू बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड लेके सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगा। और आज यही सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर आपने जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया, अगर समय रहते आपने जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं दिया, या अगर आप इस यूनाइटेड जेएंडके को इकट्ठा रख के किसी भी फॉर्मूले से 2011 सेंसिस, फ्रॉड सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के इलेक्शन करवाने की दिशा में आगे बढ़े, तो जम्मू के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, चाहे वो आकाश मेहरा हो, ज्वेलर हो जिनकी हत्या इसलिए की गई कि वो बाहर से आके कश्मीर में बसे थे, कुछ नहीं किया सरकार ने उसके बाद, अभी जो हमारे बिहार के, जम्मू के जिन लोगों की हत्या भी की गई, हमारे टीचर्स जिनकी हत्या की गई, दीपक चंद हो, सुपिंदर कौर हो, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी अब ये साफ तरीके से पूरे जम्मू संभाग से निवेदन करना चाहते हैं कि समय आ गया है जब एक बड़ी मूवमेंट के लिए हम लोग तैयार हों और जम्मू को अलग करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं, जम्मू को सेपरेट करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। हम ये पिछले 1-1.5 साल से ये देख रहे हैं कि 370 और 35 को खत्म करना, एब्रोगेट करना मात्र एक एबरेशन था, वो एक एक्सेप्शन थी। 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब कि कश्मीर से उठा के पावर के बैलेंस को आप जम्मू में शिफ्ट करिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों को ताकत दीजिए, अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को कमजोर कीजिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू का मुख्यमंत्री हो, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू के संभाग के रहने वाले लोगों के साथ नौकरियों में, ट्रेड में, टूरिज्म में, डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी भेदभाव ना हो, वो नहीं किया गया। 370 और 35 से ख़त्म करने के बाद इस सरकार ने बैकडोर से 370 और 35 को रीइंट्रोड्यूस करने का काम किया। 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद इसने, भारत सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर में जंग चल रही है और हिंदू जेनोसाइड, हिंदू नरसंहार, जिसका जिसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन है जिहाद, उसमें पर्दे डालने का काम किया, वो सब चीज़ें जिससे जम्मू कमज़ोर हो रहा है उस पर ब्लर कैंपेन चलाने का काम, जिससे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है उस पर पर्दे डालने का काम, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ का तंत्र कर रहा है, स्टेट अपरेटस कर रहा है। इसलिए जम्मू संभाग जो डेमोग्राफिक असॉल्ट को कंटिन्यूसली अभी भी फेस कर रहा है, लैंड जिहाद को कंटिन्यूसली अभी भी फेस कर रहा है, हाई कोर्ट से जजमेंट करवाने के बावजूद यहाँ की सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस लैंड जिहाद के प्रोसेस को ख़त्म करने की दिशा में जो कदम उठाने थे उसे रोक दिया, वो जो फेस कर रहा है कंटिन्यूसली, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जम्मू एक अलग राज्य बने, जम्मू एक अलग सेपरेट स्टेट बने, ताकि जम्मू का मुख्यमंत्री हो। और ये नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रबल्ड एरिया जहाँ पे अलगाववाद एक समस्या है, वो ट्रबल्ड एरिया जहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैंक्स होना एक समस्या है, जहाँ पाकिस्तान और ISI अंदर से घुस के देश को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एरिया
जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज, ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो, ताकि गजवा हिंद हो, रेड ऑफ इंडिया सक्सेसफुल हो, उसका हॉटबेड है, उसका कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे इस तरीके की रणनीति अप्लाई करना और जम्मू को तोड़ के कश्मीर से अलग ना करना एक सुसाइडल स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है जिसे पूर्व में भी हमने ये कहा है कि जैसा ISI और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की नीति रखे उसी तरीके की ये एक नीति है। ये जम्मू संभाग के लोग अब इसे टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे हैं, हम इसके वर्स्ट सफरर्स हैं, नौकरियों से लेकर जिंदगी तक हम अपनी खो देते हैं, हत्याएं होती हैं और सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इस सरकार की इस पॉलिसी को पूरे तरीके से नकारते हुए अब ये कहना चाहते हैं कि समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। आपने सुना होगा यहाँ पे ये प्रपंच करते हैं, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं कि कश्मीर में माइनॉरिटीज़ की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और मुंह नीचे डाल के बैठ जाते हैं, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे भाजपा के बाकी नेता हों। लेकिन आप ये सब लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी चिल्लाने वाले असल में माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट इन माइनॉरिटीज़ को पिछले 70 साल से डिनाई कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं इसी माइनॉरिटी स्टेटस को लेके स्वयं मैंने अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 489/2016 जिसका 12 मार्च 2018 को फैसला आया था हमारे हक में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ये माइनॉरिटी स्टेटस मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को देके बैठे हैं। और देखिए दोगलापन इनका, डबल स्पीक, आप इसी से ये आप डिसर्न कर सकते हैं कि एक जगह जब गोली चलती है तो माइनॉरिटी माइनॉरिटी करके पूरे देश को बताते हैं और जहां माइनॉरिटी स्टेटस और 60-70 स्कीम्स माइनॉरिटी बेनिफिट्स का फायदा देने की बात हो, इन्हीं माइनॉरिटीज से चीन के यही सरकार जो माइनॉरिटी हत्याओं पे अभी घड़ियाली आंसू बहा रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी को देती है अगेंस्ट दीज पीपल। यही सब कारण है, यही जो सबवर्जन हुई है, यही कारण है कि हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुसलमानों का नरसंहार जम्मू कश्मीर में निरंतर चल रहा है। क्योंकि हिंदू जेनोसाइड को डिनाई पाकिस्तानी ISI नहीं करती, भारत सरकार करती है। क्योंकि नरसंहार को डिनाई किया जाता है, क्योंकि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इसलिए नरसंहार निरंतर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। ये जो पिछले महीने हुआ ये वही नरसंहार है जो 1990s में कश्मीर में हुआ था, ये वही नरसंहार है जो 1990s में अर्ली 2000 में हमारे डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, रामबन, पार्ट्स ऑफ उधमपुर, जम्मू संभाग के एरियाज में हुआ था।